निर्माणधीन PMGSY सड़क में फंसी एम्बुलेंस। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क में आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। बरसात के मौसम में जगह जगह खराब हुई सड़क की वजह से राहगीर चोटीली हो रहे हैं। स्कूली बच्चे भी समय से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। सड़क के निर्माण का कार्य बीते दिसंबर 2023 को पूरा हो जाना था, लेकिन लगभग 7 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ की एक कंपनी को सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन लापरवाह ठेकेदार के द्वारा सड़क का काम शुरू कर गायब हो गया, जिससे सड़क बदहाल स्थिति में पहुंच गई। गुरुवार को मरीज लेने जा रही एक एम्बुलेंस इसी बदहाल सड़क में फंस गई। लगभग 2 घंटे तक मरीज तड़पता रहा, लेकिन एम्बुलेंस समय से मरीज को नहीं ले जा सकी। पूरा मामला निवासी सविता पुत्री प्रताप की तबीयत का अचानक खराब हो गया। दीवार दरों में वालों ने 108 पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस मरीज को लेने जा रही थी, तभी गांव के पहले खराब सड़क होने की वजह से एम्बुलेंस उसमें फंस गई। काफी प्रयास के बाद भी एम्बुलेंस नहीं निकल सकी। ग्रामीण सौरभ यादव, राकेश, अनिल, शिव बहादुर, पप्पू। वहीं गांव के पहले खराब सड़क होने की वजह से एम्बुलेंस फंस गई। काफी प्रयास के बाद एम्बुलेंस नहीं निकल सकी। ग्रामीण सौरभ यादव, राकेश, अनिल, शिव बहादुर आदि लोगों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। तब जाकर 2 घंटे बाद मरीज को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल के लिए रवाना हुई। ग्रामीणों का आरोप है, लगभग 8 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 7 करोड़ की लागत से होना है। ठेकेदार सड़क के निर्माण का कार्य शुरू कर गायब हो गए और अभी तक सड़क का कार्य शुरू नहीं हो सका।